अच्छा अगले हम अगला स्टेट लेते हैं बिहार, और जल्दी जल्दी दो तीन स्टेट हैं जो मेजर स्टेट मेजर रोल अदा करते हैं उस पर बात करके ब्रेक लेंगे, फिर मोदी सरकार की चुनौतियों के बारे में ब्रेक के बाद बात करेंगे। बिहार पे आते हैं, बिहार भी एक बहुत अहम भूमिका निभाता है और वहाँ पे नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया एक तरह से देखा जाए तो, और राजद पूरी तरह से सफाया हो गया राजद का। और वहाँ पे अभी जो 2019 में बीजेपी और जेडीयू को 39 सीटें मिली और राजद को का तो एक भी नहीं मिली, कांग्रेस को एक वोट मिला है, ठीक है। और बीजेपी का जो वोटिंग परसेंटेज है 23.6 है और जेडीयू का 21.8, यानी कुल मिला जुला के देखा जाए तो लगभग 45% के आसपास होता है, और वहाँ भी कांग्रेस को 7.7% ही मिला है। तो यहाँ पे राजद का साफ हो जाना, विधानसभा में वो नीतीश जी के साथ मिलकर लड़े थे और नीतीश से जेडीयू से ज़्यादा सीटें लाए थे, तेजस्वी जो है मुख्यमंत्री रहते हैं, तेज प्रताप जो हैं वहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं, फिर तेज प्रताप ही बगावत कर देते हैं पार्टी में, लालू जी जेल चले जाते हैं, बहुत कुछ उठापटक हुई बिहार में, नीतीश कुमार छोड़ के भाजपा के गोद में बैठ जाते हैं। तो और जो ये परिणाम जो आए हैं 39 सीटें 40 में से और एकमात्र कांग्रेस को मिला है, तो वहाँ पे भी एक बहुत देखा जाए तो एक तरह से पैराडाइम शिफ्ट हो गया। और चूंकि ठीक है नीतीश हैं, लेकिन राजद के संदर्भ में मैं बात चाहता हूँ कि राजद का क्या फ्यूचर है वहाँ पे, क्योंकि जेडीयू तो वहाँ पे है, लेकिन हम राजद पे ही बात करना चाहेंगे क्योंकि सीटें तो 40 आ गई, एक कांग्रेस ले गई 39, जेडीयू और बीजेपी ले गई, एनडीए ले गया, राजद कहाँ है वहाँ पे, राजद का भविष्य क्या है, तेज प्रताप तेजस्वी का क्या होगा? ये तो चिराग है वहाँ के, चिराग पासवान, हालांकि एक रामविलास पासवान के पुत्र हैं, वो जीत गए अपनी सीट, लेकिन जो चिराग हैं राजद कुल के उनका क्या होगा? देखिए ये बड़ा सवाल है। और जहाँ तक फिर कहा बात के कि बिहार की बात जहाँ तक करें तो देखिए बिहार में तो दे दिए हैं वो 39 सीटें उन्होंने दे दी, और इस मामले में भी मैं कहूंगा कि जो जनता की मेच्योरिटी है बिहार के स्तर पे, उनको पता है कि लोकसभा के चुनाव हैं और लोकसभा के चुनाव में जो समीकरण वो विधानसभा के चुनाव में रहते हैं, वहाँ के जो जातीय समीकरण रहते हैं या पार्टी के स्तर पे जो रहते हैं वो तो टूटे हैं। तो उन्होंने ये नीतीश कुमार का जो सोचा समझा और बढ़िया स्टेप है कि वो बीजेपी के साथ एनडीए दोबारा वहाँ पे स्ट्रांग हुआ और उन्होंने पहले ही शिफ्ट कर लिया। जहाँ तक विधानसभा चुनावों की बात है, विधानसभा चुनावों में उनका अनुभव जो गठबंधन का है आरजेडी के साथ वो ठीक नहीं रहा है, क्योंकि पार्टी जो थी राजद जो है वहाँ पे उनकी सीटें ज़्यादा थी तो वो दबंगई पे आ गए थे। और जहाँ तक बिहार की बात है तो वहाँ पे भी जातीय समीकरण एकदम आ जाते हैं, जाति बेस्ड पार्टी है, यादव जोड़ा MY समीकरण रहता है हमेशा, वो टूटा है उनके केस में विधानसभा चुनाव में, हालांकि उनको मिला परंतु इस बार शायद वो समीकरण फिट नहीं बैठा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो धार्मिक तौर के समीकरण बोले और साथ में जातीय समीकरण बोले वो टूटा है। परंतु जहां तक भविष्य की बात है, आपसे कहें कि तेजस्वी यादव ने खुद को एक नेता के रूप में स्थापित किया है इस बार, क्योंकि चुनाव केंद्रीय स्तर का था तो शायद वो जो उनकी पूरी रणनीति रही है गठबंधन की, चार बड़े बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरह फ्लॉप हुए हैं, जीतनराम मांझी बिल्कुल फ्लॉप हुए हैं, मतलब जनता ने स्वीकार किया है कि देश में ये छोटी पार्टियां, जब देश की बात आती है लोकसभा चुनाव की बात आती है तो एक स्ट्रांग नेशन के रूप में शायद बीजेपी बड़ी पार्टी जो है वही अच्छा कर पाएगी। मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कोई मतलब अगर छोटी पार्टी आती तो जाहिर सी बात है गठबंधन की सरकार बनती, तो चाहे वो किसी एक ऐसी पार्टी को भेजना चाहते हैं कि थे कि पूर्ण बहुमत की सरकार बने, क्योंकि अगर गठबंधन छोटी छोटी पार्टी अगर रोल अदा करेंगी तो निश्चित तौर पर फिर सरकार। मैं वही बात, यहाँ बिहार की स्थिति में भी यही बात स्पष्ट है कि तीन राज्य अभी, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो इन तीनों राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार अभी विधानसभा चुनाव में आई थी, परंतु जब केंद्र के चुनाव हुए तो उन्होंने बिल्कुल एक मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में वोटिंग पैटर्न किया है। बिहार में भी ऐसा ही हुआ है, जहां तक वोट कैडर की बात है आरजेडी का, तो वो शायद समीकरण है जो जिस सोच के साथ वो गठबंधन बिहार में बना था और जितने इतने लोग इकट्ठे आए थे वो सफल नहीं रहा है। और इसका कारण जो मैं मानता हूं व्यक्तिगत तौर पर ये है कि हमारा जो वोटर है वो स्ट्रांग हुआ है, उसकी क्लैरिटी ऑफ विजन आया है, उनको पता है कि हम लोकसभा चुनाव के लिए वोट कर रहे हैं, अच्छा, विधानसभा चुनाव के लिए वोट कहीं अगर देखा जाए पूरी तरह से निग्लेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी जगहों पे देखा जाए, जब हमने यूपी की बात की और जगहों पे देखा जाए तो 50% से ऊपर वोटिंग ट्रेंड हुआ है, लेकिन अब तक 45% जेडीयू और एनडीए को मिला, 45.5 है जी जी। लेकिन यहाँ एक चीज गौर करने की है, देखिए हर जगह थोड़ा बहुत अंतर होता है जी जी, लेकिन बिहार में एक फैक्टर है दैट इज कॉल्ड एक्स फैक्टर जी।
वो एक्स फैक्टर जिसकी तरफ गया उसकी सरकार बन गई, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा की बात करें। नीतीश कुमार में एक्स फैक्टर है, उनके पीछे के काम आप देखेंगे तो वो एक उनका एक वर्ग तैयार हुआ है, महिलाओं में बहुत लोकप्रिय हैं, लड़कियों में बहुत लोकप्रिय हैं, एक उन्होंने दलितों में भी महादलित और पिछड़ों में अति पिछड़ों का कार्ड खेला, वो उनका एक एक्स फैक्टर है। तो आप एक्स फैक्टर छोटे भी हों तो दूसरों के साथ मिलके आप उसके लिए विनिंग कम्बिनेशन तैयार कर देते हैं। आप उठा के पूरा देख लीजिए पिछले 5-7 साल का, जिधर नीतीश कुमार उधर सत्ता गई। तो लोग कहते हैं कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, तो वो फैक्टर है। दूसरी चीज़, 2014 की बात करें, लालू जी के प्रति लोगों में उतनी जानकारी नहीं थी, लोग सोचते अच्छा ये तो मुकदमा चल रहा है, अच्छा अभी जेल गए हैं, वो तो बार बार जाते रहते हैं, क्या अंतर पड़ता है। अब लोगों में ये पता चल गया कि भैया वो ऐसे जेल नहीं गए, वो सजा याफ्ता मुजरिम हैं जी जी, और जिस तरह से उनके बच्चे जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति को भी लोग समझ गए, उनकी अनुभवहीनता भी सामने आ गई, परिवार में कलह भी सामने आ गया। और सबसे बड़ी बात कि जैसे ही उनकी सीटें बढ़ी, बिहार में एक बार फिर जंगल राज की तरफ मुड़ने जा रहा था, नीतीश कुमार को समझ में आ गया, उन्होंने हाथ जोड़ लिए और फिर से वो मोदी के पास आए, जिसकी जिनके बारे में उन्होंने पता नहीं क्या क्या कहा था। तो ये है पूरा गणित। और वहाँ फ्यूचर में विधानसभा चुनाव में भी अगर नीतीश कुमार आरजेडी से नहीं मिलते हैं, या तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा या फिर बीजेपी और जदयू एक साथ होंगे और वो अकेले होंगे, शायद सुपड़ा साफ हो जाए। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए बिहार में तो निश्चित तौर पे बाकी लोगों का सुपड़ा साफ है, क्लीन स्वीप ही कहेंगे, स्वीप ही कहेंगे अगर एक सीट कांग्रेस को आती है। नहीं, वो सीट, उस सीट में एक फैक्टर है जी, किशनगंज सीट जो है, किशनगंज सीट में बीजेपी नहीं जीत सकती, गठबंधन बीजेपी एनडीए के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस सीट पे जो माइनॉरिटी वोट्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि आप उस तिलिस्म को नहीं तोड़ सकते। जबकि बीच में चर्चा थी मुजफ्फरनगर से लड़ते थे शाहनवाज हुसैन, मुजफ्फरनगर से आई थी भागलपुर से हार गए थे, लेकिन शायद चर्चा चल रही थी कहीं उनको किशनगंज से टिकट दिया जाए, लेकिन शायद आपका नहीं, वो एनडीए, जहाँ एनडीए का मामला आएगा, जहाँ बीजेपी की बात आएगी, आप किशनगंज से नहीं जीत सकते। तो दूसरी बात, बस दो सीटों की मैं चर्चा करूंगा, एक जो बेगूसराय, कन्हैया कुमार काफी बाजे गाजे के साथ, काफी जोशो खरोश के साथ मीडिया में भी हीरो थे, वहां गए चुनाव लड़ने के लिए। दूसरे साइड जो विजेता है हमारे गिरिराज सिंह जी, वो काफी क्षुब्ध हो गए थे, नेवादा से उनको भेज दिया गया बेगूसराय, नाराज हो गए थे कि भैया कहाँ हमको भेज दिए, उनको भी कहीं कहीं एहसास हो रहा था कन्हैया कुमार कहीं टक्कर न देते एक इस पे। और दूसरी जो है हमारे जो सुपर स्टार है बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा पाटलिपुत्र से, उनके खिलाफ रविशंकर प्रसाद आए हैं चुनाव, तो ये दो सीटें एक तरह से देखा जाए तो हाई प्रोफाइल कहीं से हो गई थी, देखिए बना दी गई थी। नहीं, नटसेल में समझिए जी, दिल्ली में एसी कमरों में बैठकर हम यदि कन्हैया कुमार का आकलन बेगूसराय में करते हैं तो ये कन्हैया कुमार के साथ अन्याय है, बेगूसराय के वोटर्स के साथ अन्याय है और खुद के साथ अन्याय है। कन्हैया कुमार जहाँ से चुनाव लड़ते हैं वहाँ जो वोटर है बहुत जागरूक वोटर है, वो कन्हैया कुमार को नहीं पचा सकता था और उसने पचाया भी नहीं, उनकी उनके प्रचार में बॉलीवुड तक उमड़ पड़ा, क्या हुआ तीसरे स्थान पे चले गए। ऐसा नहीं होता है, हम मान लें कि हर कोई मूर्ख है, जनता मूर्ख नहीं होती है। मुझे पक्का भरोसा था पहले भी कि अगर गिरिराज सिंह किसी भी कारण से चुनाव नहीं जीतेंगे तो आरजेडी का कैंडिडेट जीत जाएगा, कन्हैया कुमार नहीं जीतेंगे, क्योंकि वहाँ का जो यूथ है बेगूसराय का वो सीधा कन्फ्रंट करता है, भैया तुमने तो नारे लगाए भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। अब आइए शत्रुघ्न सिन्हा की, शत्रुघ्न सिन्हा जो चुनाव जीतते थे इसलिए नहीं जीतते थे कि वो बिहारी बाबू थे बीजेपी, वो परंपरागत रूप से बीजेपी की सीट है, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी वहाँ से चुनाव जीता करते थे, उनके बाद शत्रुघ्न सिन्हा जी आए, उनकी एक छवि पहले अच्छी थी, लेकिन पिछले 10 साल में उनकी छवि 10 साल
मैं इस बार की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी छवि ये बन गई कि ये तो बस जीत के और चले जाते हैं, काम कुछ करते नहीं हैं, दिखते हैं नहीं, पार्टी के लोगों से मिलते नहीं हैं। तो संगठन जो है वो भी दुखी, लोकल कार्यकर्ता भी दुखी, और लगातार 5 साल जिस तरह से मोदी सरकार के पीछे हाथ धो के पड़े रहे, उसने उनकी छवि और ख़राब कर दी। अच्छा, रविशंकर प्रसाद कोई क्यों? एक चीज़ मेरे दिमाग में अचानक सवाल आ गया कि जो मोदी कैबिनेट है, ये कभी कभी सोशल मीडिया और कि उनके कैबिनेट में या मंत्रिमंडल में जो भी लोग हैं, देखे तो राज्यसभा से आए हुए हैं या हारे हुए लोग हैं जिनको राज्यसभा से ला के मंत्रिमंडल बना दिया, और अगर देखा भी जाए तो चाहे अरुण जेटली हो, स्मृति ईरानी हो, निर्मला सीतारमण हो या फिर रविशंकर प्रसाद हो, ये सारे राज्यसभा के द्वारा गए, इनको मंत्रिमंडल में लिया गया। तो चूंकि हो सकता है कायस्तोट वहाँ ज़्यादा है, रविशंकर प्रसाद को इसलिए है कि इसलिए भेजा गया, लेकिन क्या ये भी या किसी और को भी भेज सकते थे, लेकिन रविशंकर प्रसाद को ही क्यों? लोहा लोहे को काटता है सिन्हा जी जी, और सिन्हा जी कायस्थ, मतलब कायस्थ एक ही काम, ये एक फैक्टर है। दूसरा, आपको एक स्ट्रांग कैंडिडेट देना होगा क्योंकि वो एक सिनेमा की पर्सनालिटी है, तो एक स्ट्रांग पर्सनालिटी दी, एक चर्चित चेहरा दिया जी। इनका भी फैमिली बैकग्राउंड बहुत पॉलिटिकल रहा है रविशंकर प्रसाद जी का, तो वो सारे एक सिर्फ एक चीज़ को देख के किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है। बीजेपी में शायद ऐसा होता नहीं है, बहुत सोच समझ के लोग टिकट देते हैं। तो ये फैक्टर जो आप कह रहे हैं कायस्थ वर्सेस कायस्थ, वो फैक्टर है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता।